अगर ये कर लिया तो किसी के बाप से नहीं डरोगे, किसी से नहीं डरोगे, इतने मजबूत हो जाओगे कि आपको कहीं जाने की किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। बड़े दुखी हो यार आप, आपका दिल दिमाग मन बुद्धि चिंता सोच बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में घुसी पड़ी है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बड़े परेशान हो आप, लेकिन आपको समाधान पता है क्या है? समाधान एक ही है भाई, वो है योग। मैंने किताबें पढ़ पढ़ के बड़ी मेहनत से आपके लिए पता लगाया, ये सारी किताबें पढ़ ली हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि भाई ऐसा क्यों है, लोग क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, करें तो योग के सहारे से कैसे करें। लोग बाग बता देते हैं कि भाई योग करो, योग करो, योग आपको फायदा देगा, लेकिन योगा में क्या फायदा देगा आपको, योगा में कब तक फायदा देगा? मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, हजारों कॉल आती है मेरे पास, रात को 12-12 एक एक बजे कॉल आती है कि सर ये बता दो ऐसे कैसे ठीक होगा। मैं बताते बताते थक गया हूँ, आज आपको सरल भाषा में और इस वीडियो में बता दूंगा कि भाई आपको क्या करनी है, वो सारी चीज़ बता दूंगा। OCD के लिए मैंने वीडियो डाली, OCD के लिए लगातार फोन आ रहे हैं, भाई सर हमको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक करा दो, कैसे ठीक करा दो, इतने सालों से ठीक हो सकता नहीं हो सकता है। अरे भाई मैं कितने लोगों को ठीक कर चुका हूँ अभी तक, कितने लोग, कितने तो हमारे स्टूडियो में आते हैं, मैट देख रहे हो आप, ये योगा क्लास चल रही है उसके बीच में आपको वीडियो बता रहा हूँ, कुछ पढ़ाई भी मैं जो कर रहा हूँ थोड़ी बहुत योग के बारे में, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैंने लिए आप जैसे विज्ञान लोगों से ही, उनको ही मैं बांटने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए योग में एक ही चीज़ है आपको जो बचा सकती है, वो है आपकी ब्रीथ, आपकी श्वास, जो भगवान ने आपको प्राणवायु दी है। ये प्राणवायु तो है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, कोरोना में आपको पता लग गया था ना सांसों की कितनी महत्वता है। सांस, जरा बैठो आप 2 मिनट बिना सांस लिए, अगर आपके दिल दिमाग ना घबरा जाए, ना आप उड़ जाओ, ना आपकी बिल्कुल हालत खराब हो जाए, तो नाम बदल देना मेरा। इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, मन ऐसा भारी रहना बिल्कुल, किसी चीज़ में गुस्सा नहीं आ जाना, किसी पे तुरंत गुस्सा निकाल देना, कुछ भी हो जाना चुपचाप बैठ जाना, शांत बोलना नहीं किसी से, यही तो सारे सिम्टम्स हैं। आपको पता लगेगी भाई आप किसी चीज़ से घबरा रहे हो, कोई चीज़ आपके अंदर ऐसी है, ऐसी तनाव है, वो एनर्जी घुस चुकी है, नेगेटिव एनर्जी, जिसको आपको बाहर निकालना है। उस एनर्जी को आप कैसे निकालोगे? योग के माध्यम से आप बाहर निकालोगे। यही तो तनाव है आजकल की जो दुनिया है, आजकल जो आप सोशल मीडिया पे चीज़ देखते हो, उन चीज़ों को देख देख के, वो सारा जो गंध है जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, दूसरों को देख देख के जो जज करते हो, फिर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, अपने आप को उस तरह से देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हो वैसी जिंदगी हकीकत में नहीं होती है। ये चीज आपको समझनी होगी। जितने परफेक्ट पॉस्चर्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हो योग के और सोचते हो कि ऐसे योग किया जाता है, वो योग नहीं है। योग क्या है? योग है आपका एक पॉस्चर में जाना और वहां से आना। जरूरी नहीं है कि आप हैंडस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कोशिश भी कर रहे हो, वही एक आपकी प्रगति है, वही आपका एक बढ़ने का विचार है। तो देखिए आपको क्या करना होगा ऐसी दिमाग वाली चीज के लिए, ऐसी चीज के लिए क्या करना होगा, अपनी सांसों पे ध्यान देना होगा। सांसों पे कैसे ध्यान दें, कैसे बैठे, किसी भी एक पॉस्चर में बैठ जाओ, लेट जाओ, उठ जाओ, जैसे आपको ठीक लगे, जिस भी टाइम उस टाइम करो। लेट रहे हो बेड पे, ओके लेट जाओ। अब क्या करना है आपको, बार बार अपने दिमाग को समझाना है कि मुझे कहाँ ध्यान लगाना है, मुझे अपने नॉस्ट्रल टिप पे लगाना है, यहीं से तो ये प्राणवायु अंदर जा रही है, आपकी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तक जाके मिल रही है, योग की भाषा में यही सांस आपकी पूरी बॉडी को चला पा रही है, यही सांस आपके शरीर से बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यही तो सारी चेंजेस कर रही है, इसी से सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इसी से आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, इसी से आपके हार्ट को सिग्नल मिल रहा है। तो इसी ब्रीथ को आपको सरल बनानी है, कोशिश करनी है कि 1 मिनट में आप लगभग 2 या 3 ही ब्रेथ करो। वैसे हम 5 से लेकर 7 ब्रेथ कर लेते हैं 1 मिनट में, जब हम ध्यान नहीं देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड से चीज चल रही होती है, आपको एक कॉन्शियस तरीके से करने की कोशिश करनी है, सांस पे ध्यान रख के, और बहुत सिंपैथेटिक यानी बहुत आराम आराम से सांस आपको भरनी है, बहुत आराम आराम से सांस आपको बाहर छोड़नी है। बार बार आपका ध्यान भटकेगा, किसी काम में जाएगा, किसी चीज़ में जाएगा, फिर अपने आपको बताना है कि मैं क्यों बैठा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे मैं चीज़ क्या कर रहा था, दोबारा रिवाइव करनी है और अपने ध्यान अपनी सांस के ऊपर आपको दोबारा लेके आना है। अगर आप इतना करने लगोगे, मैंने इतना लोगों को कराया है और बेनिफिट देखे हैं इस चीज़ के, सिर्फ सांस पे ध्यान लगाने के, क्योंकि भगवान ने जो सबसे क्लोज हमें दी है मेडिटेशन करने के लिए, वो आपको प्राण ही दिए हैं, ये प्राणवायु ही है जो आपकी चल रही है, अंदर और बाहर जा रही है। जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग हैं, जो समाधि तक पहुँच चुके हैं, वो इस प्राणवायु की वजह से ही, इस सांस की वजह से ही अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हैं। किस समय करें? कभी भी, सुबह उठते, दोपहर में, जब आपका मन करे कि मेरा आप करने का मन हो रहा है, खाना खाने के बाद भी, पहले भी, कोई मैटर नहीं करती है, चीज इंपॉर्टेंट है आपको करना स्टार्ट कीजिए, ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिए अपनी ब्रीथ पे। 1 मिनट में 1 या 2 ब्रेथ ही करने की कोशिश करें और ऐसी प्रैक्टिस करें 5-5 10-10 मिनट। आप जब इस चीज में
बढ़ने लगोगे आगे, जब इस चीज़ पे ध्यान लगाने लगोगे तो आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे इस चीज़ से, अपनी ब्रीथ के साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, जुड़ जाओगे कि और सारी चीज़ अपने आप आपके शरीर से दूर भागती चली जाएगी। सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमनिया, जितनी भी चीज़ है ना, जितनी गलत गलत चीज़ आपके शरीर में नेगेटिविटी भर चुकी है, वो धीरे धीरे सांस के माध्यम से, जैसे सांस बाहर चढ़ जाता है ना रिलैक्स, ऐसे ही बोलते हैं ना जब क्रिकेट पिच पे खड़े होते हैं कि सांस लो, लंबे गहरे सांस लो, तो उन सांसों का मतलब यही है कि भाई आपकी प्राण जो है उसी को बचा के रखो, वही तो आपको सब कुछ देगी आपके शरीर के अंदर। तो कैसे करना है, आराम से सिंपैथेटिक आराम तरीके से सांस भरनी है नॉस्टल से, आराम से बाहर छोड़नी है, बार बार अपने ध्यान को पकड़ के लाना है अपने सांस के ऊपर, बार बार ये रिपीटेटिव चीज़ आपको करनी है। ध्यान भटकना गलत नहीं है, भटकेगा भाई, ये काम है ध्यान का है ही, मन इतना चंचल होता है कहीं भी चले जाता है, आपको क्या करना है बार बार उसको लाना है जहाँ पे, जिस जगह पे हमें वो पहुँचाना है। कोशिश करके देखो, करने में कुछ नहीं जाता है आपका, नहीं मिलेगा फायदा चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ नहीं मिल रहा फायदा, लेकिन करके तो देखो, रास्ते पे चल के तो देखो, तभी तो पता चलेगा कि आखिर है सही भी है कि नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है, मैंने बहुत लोगों को एग्जाम्पल देखे हैं, खुद वीडियोज में इधर उधर देखे हैं जो कि फायदे उन्हें मिल रहे हैं, तो आप भी करोगे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और कुछ हेल्प चाहिए, योग करना है हमारे साथ ऑनलाइन, तो नंबर जो दिया गया है डिस्प्ले पे, यहाँ नंबर कर सकते हैं, ऑनलाइन सुबह शाम आपको क्लास कराई जाएंगी योगा की लाइव, मजा आएगा आपको क्लास ज्वाइन करने में। बाकी तब तक सेफ रहिए, और ऐसी चीज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, तब तक सेफ रहें और योग फैलाते रहें, करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।